the practical class is शनिवार 1964 नौवा महीना उन्नीस तारीख रिकॉर्ड चला है हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है कहना पड़ता है और उस हिसाब से अच्छा कहना ओम शांति ये भी बच्चों को बताना है क्योंकि आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है बाप भी बताते हैं कि हम भी शांत हैं और शांत देश के रहने वाले हैं और तुम भी शांत हो तुम्हारा ओरिजिनल अर्थात असल स्वरूप तुम आत्मा हो और तुम्हारा स्वधर्म है शांत परंतु ये बात भूल गए हो देखो सारी दुनिया शांति शांति चाहती है अभी शांति किसको कहा जाता है बेचारे कोई भी नहीं समझते हैं वो समझते हैं कि ये जो इतना सारा हंगामा है धूमधड़ाका आपस में लड़ना झगड़ना वो सब शांत हो जाए उनकी लड़ने झगड़ने से शांति होती है परंतु वो तो कोई काम की नहीं है घर में कोई बच्चे बच्चियां या स्त्री पुरुष आपस में लड़ते झगड़ते हैं अशांत होते हैं अच्छा अगर नहीं लड़ते झगड़ते हैं तो कोई शांति हुई क्या ना शांति तो है ही एक और वो एक और चीज है जो है ही आत्मा का स्वधर्म शांत और वैसे ही बाप का भी स्वधर्म कोई से भी पूछो आत्मा का बाप कौन है कह देंगे फलाना है फिर पूछो उनका धर्म क्या है तो कहेंगे उनका धर्म है ही शांत क्योंकि परमपिता परमात्मा तो शांति देश में रहने वाले हैं हम भी शांति देश में रहने वाले हैं परंतु किसने इस स्वधर्म आत्मा को बुलाया तो अभी भी कोई भी आवे तो उनको बोलो बच्चे तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना
तुम असल वहां शांति देश में रहने वाले हो और यहां आए हो पार्ट बजाने के लिए शरीर द्वारा अपने कर्म का पार्ट इसलिए उनको पार्ट तो बजा नहीं है अब पार्ट बजाना है तो शांत तो नहीं रह सकते ना इन कर्मेंद्रियों द्वारा बोलना है चलना है उठना है बैठना है और शांति के लिए कोई जंगल में जाने की भी दरकार नहीं है बाबा ने तो बहुत अच्छा समझाया है कि आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है और अच्छी तरह से पता है और जब आत्मा थक जाती है रात को अशरीरी हो जाती यानी ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है तो देखो रात को कितनी शांति होती है रात को कोई बाहर निकले कितना सन्नाटा रहता है भले बॉम्बे भी हो या कोई भी कितना बड़ा शहर हो सुबह होते ही कितनी झिलमिल होने लगती है 3-4 बजे से ही आवाज होने लगती है और कोई 1 बजे 2 बजे देखे तो सब दुकानें बंद सब सोए पड़े हैं शांत तुम बच्चों को समझाया गया है कि क्या होता है आत्मा अपना अपना पार्ट बजाते बजाते थक जाती है फिर रात को सो जाती है अब वो तो ही रात और दिन की बात अभी तो रात और दिन हम बेहद क्या कहते हैं आत्मा 84 जन्म का पाठ बजाए बजाए अभी थक गई है अभी थक जाने के कारण पार्ट पूरा हो जाने के कारण वापस जाना है और कहां जाना है शांति धाम तुम बच्चों को भी कहा जाता है शांति धाम को याद करो सुख धाम को याद करो तो बाप ऐसी राय देते हैं याद कहां करेंगे सुखधाम और शांति धाम में बैठ करके याद किया जाता है किया जाता है क्या है सुखधाम में बैठ करके आत्मा को याद नहीं करते आत्मिक स्थिति नहीं होती है क्या आत्मिक स्थिति होती है लेकिन स्पेशली बैठ करके याद नहीं करते हैं शांति धाम में भी याद नहीं किया जाता है याद किया जाता है दुख धाम में अशांति धाम में तो जरूर कहेंगे ना कि अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो क्योंकि यहां अशांत हुए पड़े हैं ऐसे थोड़े ही है कि शांति धाम में कोई कहने वाला होगा या सुख धाम में कोई कहने वाला होगा
इस समय में कहने वाला होता है कि बच्चे अभी तुम्हारा नाटक पूरा हुआ है और अभी तुमको अपने घर चलना है। पीछे तो तुम्हारे लिए शांति भी है और सुख भी है, परंतु अशांति और दुख कौन फैलाता है? ये रावण है। तो बाप कहते हैं गिरना है, संभलना है, इसी समय की बात है। १९६४ की वाणी का दूसरा पेज, इस समय की बातें। बाप बताते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे इतना माया तुमको गिराएगी नहीं, और अगर कोई न कोई संग दोष में आए तो आप ही बाप की याद भूल जाती। तो जरूर है कि माया कोई न कोई भूत के रूप में तुमको गिराएगी जरूर। तो ये है संभलने की और फट से खड़े हो जाने की बात। तो कैसे हम खड़े रहे और कैसे संभले? कदम कदम पर जो चीफ पंडा बाबा है वो मुख्य पंडा है ना, उससे हम श्रीमत लेते रहे, इसलिए तुम्हारा नाम ही पांडव रखा गया है। तुम भी पंडे हो, तुम्हारी पंडों की सेना है। फिर नाम रख दिया है पांडव, पर हो तो पंडे ना, वो होते हैं जिस्मानी पंडे। यात्राओं पर ले जाते हैं और तुम हो रूहानी पंडे, उनकी है जिस्मानी यात्राएं। तो मनुष्यों ने इन बातों पर बैठकर शास्त्र तो बहुत बनाए, वो तो पांडव कौरव यादव ये लड़ाई के रूप में ले गए। तुम वास्तव में हो ही पंडे, बाप भी पंडा। बाप कहते हैं मैं पंडा हूँ, आया हूँ तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? तुम्हारे शांति धाम में ले जाने के लिए। और ऐसे शांति धाम का पंडा तो एक ही बनता है, इस दुनिया में तो वहां देखो उनके बच्चे भी पंडे बनेंगे, परंतु यहाँ तो पंडा एक है, फिर एक से तो काम नहीं होगा ना। तो देखो कितनी सेना हो जाती है। तो तुम पंडे, तुम बच्चों का रुख अभी कहाँ है?
अपनी शांति धाम की तरफ। कितना दूर है? परे ते परे। चांद सितारों की दुनिया के भी परे। बद्रीनाथ जाना, अमरनाथ जाना, फलानी जगह पर जाना, वो कोई परे ते परे थोड़े ही है, ये तो यहाँ बाजू में बैठे हुए हैं। कौन है? अरे अमरनाथ, बद्रीनाथ वगैरह वगैरह, वो तो सहज है। अच्छा, भला वो सहज है या ये सहज है? दूर जाना अपने सूक्ष्म वतन, फिर ठक से मूल वतन। तो अभी वो नजदीक है या ये अमरनाथ और बद्रीनाथ नजदीक है, बताओ? देखने में तो आता है कि ये तो परे ते परे है और वो तो यहाँ सामने नजदीक में है। रेल में जाओ या किस में जाओ, परंतु नहीं, ये ऐसे टाइम लग जाता है। यहाँ सूक्ष्म वतन में जाना, मूल वतन में जाना, वैकुंठ वतन में जाना, ये तो तुम्हारे लिए सेकंड की बात है, तो बहुत दूर। तो परे ते परे इसको कह देते हैं और है बिल्कुल नजदीक, और वो तो और ही परे है। तो बाबा समझाते हैं कि बहुत नजदीक भी है, तुम कितना तेजी से पहुंच जाते हो, तुमको वहां पहुंचने में टाइम थोड़ा ही लगता है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। अभी तुमको वही यात्रा याद आती है, तो ये यात्रा तुम्हारे लिए कोई नई नहीं है। वो भी जो यात्राएं करते हैं उनके लिए भी कोई नई नहीं है। कल्प कल्पांतर तुम ये यात्राएं आधा कल्प करते आए हो, और फिर ये एक यात्रा तुम्हारी बाप आकर के बताते हैं, बताते भी हैं और कराते भी हैं, और कोई भी इस दुनिया में वो यात्रा नहीं करा सकते। बाप या बाप के सिकिल्ले बच्चे ही ये यात्रा करा सकते हैं। उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, क्योंकि तुम बच्चों को तो हर एक को जहां तहां रास्ता दिखलाना है। हर एक मन है, तुम सिकील दे बच्चे ही ये रास्ता दिखला सकते हो। कौन सिकील दे बच्चों की तरफ इशारा किया है? पूरे
अरे हर एक को रास्ता बताने वाले तुम हो, लेकिन तुम सिकिल दे हो। जिनको रास्ता बताएंगे वो सिख सिख से मिले हुए बहुत लंबे साल से बिछोड़े हुए नहीं है, तुम सिकिल दे हो। तो तुमको जहां तहां रास्ता दिखाना है, जहां तहां है। क्या मतलब जहां तहां है? तुम हरेक यात्रा का रास्ता दिखलाने वाले, हरेक धर्म वालों को यात्रा दिखाते हो, कराते हो, पंडे हो। बाप भी कहते हैं कि तुम मंदिरों में जाकर के समझाओ, बोलो ये चित्र तो देखो, अब ये यहां कब राज्य करते थे, उनको समझाना पड़े। तुम जब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो, उसको तो बहुत नजदीक रख दिया है, है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर को शहर में क्यों रख देते हैं इतना नजदीक, है? और अमरनाथ को तो कितनी दूर रख दिया है, क्यों है? कौन है अमरनाथ और कौन है नजदीक, जिसे लक्ष्मी नारायण बताया? क्योंकि अमरनाथ दूर रहने वाले हैं ना, वो लक्ष्मी नारायण शहर में रहने वाले। तुम्हारे साथ राज्य में राज्य करने वाले, और वो अमरनाथ तो परम धाम से शांति धाम से आने वाले। तो इनको बहुत दूर जाकर के रखा है, ये यादगार है, नजदीक भी रखा है और दूर भी रखा है। और दर दर पर उनका चित्र बनाई दिया है, क्योंकि ढेर चित्र बनाए हैं ना, मंदिर कितने बनाए हैं, किसके है? नहीं, लक्ष्मी नारायण से भी ज्यादा मंदिर शिवलिंग के हैं। एक का मंदिर देखो कितने बनते हैं, तो किसका मंदिर बनाते हैं? बाप ने समझाया कि मंदिर बना है जो पतित पावन है। किसका मंदिर बना है यादगार है? ये यादगार मंदिर किसका बना है, किस मंदिर की बात हो रही है?
अरे अमरनाथ के मंदिर की बात हो रही है ना, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, उस शिवलिंग के मंदिर कितने बने हुए हैं? और वो है सबसे नंबर वन पतित पावन। उस मंदिर में क्या यादगार रखी हुई है? है पतितों को पावन बनाने की यादगार रखी हुई है। पतितों को पावन बनाने की यादगार रखी हुई है। शिवलिंग ही तो है। उसे पतित कहे कि पावन कहे? है हाँ, साकार में निराकार आता है, उसको निराकार ही बनाता है, तभी तो पतित पावन है। तो जो शिवलिंग मंदिर में रखा हुआ है, जिसकी पूजा होती है, पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्र की पूजा होती है, तो उसको तो पावन ही कहेंगे, लेकिन वो तो पतित पावन है, तो वो पावन किसको पावन बनाए रहा है? है पतित को पावन बनाए रहा है। कौन है पतित उस मंदिर में? शिवलिंग तो खड़ा है, पतित है, पड़ा है या खड़ा है? खड़ा है, फिर पतित कौन है? है शंकर पतित है। हाँ, महाकाली पांव रखती है छाती के ऊपर, तब तो कहेंगे पतित है। लेकिन यहां तो शिवलिंग की बात हो रही है, शिव के मंदिरों की बात हो रही है, जहां जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है, वो जलाधारी किसकी यादगार है? है किसकी यादगार है? है अरे जगदम्बा की यादगार है। है अरे पार्वती की यादगार है ना, जो पार्वती है, नाम रखा है जलाधारी। क्या धारी? माने ज्ञान जल को धारण करने वाली। तो ज्ञान जल को कब धारण करती है? है जो बेसिक ज्ञान है, जो ब्रह्मा के मुख से निकला, वो धारण करती है, तब जलाधारी है। जिस ज्ञान के लिए मुरली में बोला, अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या? जो बेसिक ज्ञान सुनाया ब्रह्मा के मुख से, उसको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन ज्ञान का अमृत नहीं कहेंगे। अमृत पी के क्या होता है? अमर बनते हैं। अमर माने क्या? निश्चय बुद्धि बनते हैं। बार बार अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते।
मना बेहद के जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, बेहद के जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपाय पार्वती धारण करती है और बोला तुम सब पार्वतियां हो। मना तुम सब नंबरवार उस ज्ञान जल को धारण करने वाली हो। कौन सा ज्ञान जल है? अरे जो सिर्फ नाम मात्र ज्ञान है लेकिन ज्ञान अमृत नहीं है वो ज्ञान जल है, या ज्ञान अमृत है वो ज्ञान जल है? और वो अमृत इसके द्वारा निकलता है, हैं? अरे मीडिया कौन बनता है? जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, खड़ा हुआ या पड़ा हुआ? तीसरा नेत्र खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो फिर पुरुषार्थ की संपन्नता होने पर नारायण बनता है। लेकिन नारायण पुरुषार्थी जीवन में या पुरुषार्थी जीवन के बाद है? पुरुषार्थी जीवन के बाद नारायण बनता है और नारायण की लक्ष्मी ज्ञान किससे लेती है? नारायण से ज्ञान लेती है। जिस नारायण से ज्ञान लेती है वो ज्ञान अमृत होगा या सिर्फ ज्ञान होगा? ज्ञान अमृत होगा। उस ज्ञान को धारण करने वाली वो जलाधारी का नाम क्या रखा? पार्वती। पार लगाने वाली है, डुबोने वाली? डुबोने वाली नहीं है। पार लगाने वाली कैसे है? और पहले पहले किसको पार लगाने वाली है? अरे अंधे लंगड़े की कहानी भी दिखाते हैं। विषय वैतरणी नदी को पार किया, किसने पार किया है? अंधे और लंगड़े ने। तो अंधा आधार बनता है या सवार बनता है? सवार बनता है। अंधा आधार बनता है। जो आधार है वो ही तो धारण करता है ज्ञान को, है? ज्ञान को धारण कौन करता है? जो आधार है, धरणी जिसे कहा जाता है, धारणावान। शास्त्रों में नाम दे दिया राधा, एक ही होती है, बाकी सब राधाएं नहीं हो सकती। सीताएं अनेक हो सकती है, द्रौपदियां अनेक हो सकती है, लेकिन राधा अवलंबर एक ही होती है, इसलिए नाम पड़ा है। राम को धारण करने वाली,
राम को धारण करने वाली या राम के द्वारा जो अमृत निकला उसको धारण करने वाली है? अमृत को धारण उसने किया नंबर वन। तो नंबर वन ज्ञान अमृत को धारण करने से ये कहा गया कि ज्ञान से ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। और वो धारणावान पार्वती आधार के रूप में दिखाई गई है। किसका आधार बनती है? है नारायण तो बाद में बनता है, पहले लिंग है या नारायण है? पहले तो लिंग है, निराकार है, और निराकारी स्टेज वाला है तो पतित पावन है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी है तो वो पतित पावन है। पतितों को पावन बनाने वाला साबित हो जाता। कौन? वेद का बाप। वेद का बाप एक या दो है? दो। एक बिंदु के रूप में है, एक लिंग के रूप में है। बिंदु निराकार और लिंग साकार। निराकार और साकार के मेल को क्या कहते हैं? भक्त लोग भी क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं या नहीं कहते? शिव बाबा। मंदिर में जाएंगे, निराकार की यादगार देखेंगे, कोई हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, शरीर नहीं है, फिर भी क्या कहेंगे? शिव बाबा। बोले भंडारी। तो देखो क्या निराकार शिव बाबा शिवलिंग ही है और कोई नहीं है? शालिग्राम की पूजा नहीं करते क्या? है वो निराकार नहीं? अरे शालिग्राम भी तो निराकार है, लेकिन वो नंबर वार है या नंबर वन है? शालिग्राम है नंबर वार और शिवलिंग है नंबर वन। क्यों? वो नंबर वार क्यों और वो नंबर वन क्यों है? अच्छा, रुद्रमाला के मणके जो शालिग्राम जैसे देखने में आते हैं गोल मटोल, उनमें शिव नहीं प्रवेश करता? करता तो है। हाँ कहेंगे मुकर्रर रूप से नहीं प्रवेश करता, कोई प्रूफ नहीं है जो कोई कह सके कि प्रवेश करता ही है। क्योंकि रुद्राक्ष के मणकों में जो निराकारी स्टेज वालों की यादगारें हैं उनमें अनेक मुख होते हैं। एक मुख वाला मणका कहीं बिरला मिलता है, और जो मिलते भी हैं वो नकली बनाए हुए हैं। असली मणका बहुत बिरला मिलता है। तो बताया वो पतित पावन है सबसे नंबर वन। सबसे माने किससे किससे है?
सबसे माने किससे टैली किया है? अष्टदेव ही निराकारी बनते हैं सिर्फ शालिग्राम। 108 मन के हैं रुद्राक्ष के, रुद्रमाला के, वो निराकारी स्टेज नहीं धारण करते हैं? हाँ तो नंबर वार, लेकिन नंबर वन एक शिवलिंग है। क्यों? कारण क्या है? सबसे पहले किस आधार पर कहें? क्योंकि राजधानी जब स्थापन होगी और उसमें कहें सबसे पहला, तो राजधानी एक के द्वारा स्थापन होगी या परिवार होगा? कम से कम 8 तो होंगे। तो राजधानी में आठ होंगे तो नंबर बार, लेकिन राजधानी एक साथ होगी या धीरे धीरे करके होगी? है राजधानी धक्क से स्थापन करेंगे या एक एक नंबर गिन करके रखेंगे तब स्थापन होगी? धक्क से स्थापन होगी। तो बताया सबसे नंबर वन है शिवलिंग, पतितों को पावन बनाने में। कारण फिर भी अभी निश्चित नहीं हुआ। कारण है कि और जो है देवताएं अष्टदेव, उनकी अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं और शिव की काम इंद्रिय पूजी जाती है। अन्य इंद्रियों को कंट्रोल करना सहज है, परंतु काम इंद्रियों को कंट्रोल करना, कामदेव को भस्म करना, ये सिर्फ है एक के बस की बात है। जो 100% काम विकार को कंट्रोल कर लेता है, कामदेव को भस्म ही कर देता है। अगर थोड़ा रह जाए तो पतित पावन कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। इसलिए बोला सबसे नंबर वन पतित पावन, बाकी का मंदिर बनाने से क्या फायदा? हैं? बाकी माने किसकी किसकी तरफ इशारा कर दिया है? अरे जो भी देवताएं हैं उन सब देवताओं की तरफ इशारा किया कि वो पतित इंद्रिय को पावन तो नहीं बना सकते। पतित इंद्रिय के संग के रंग में ला करके पावन बनाना सिर्फ एक का ही काम है। 1964 की वाणी का तीसरा पेज। तो जिनका मंदिर यादगार बनाने से कोई फायदा नहीं, वो तो कोई सुख नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? किसकी तरफ इशारा किया है? अरे
कौन सुख नहीं देते और कौन सुख देते हैं? अरे वो देवताएं जो कामेंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो तो कोई सुख नहीं देते हैं। तो फिर सुख देता कौन है? हैं? एक ही शिव बाबा है। अच्छा, तुम पुजारी बन जाते हो तो पुजारी क्या सुख के लिए बनते हो? हैं? पूजा करते करते बिल्कुल ही धक्के खाते खाते थक करके तो अभी बाप आता है तुमको पुजारी से पूज्य बनाने के लिए, जबकि गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी है। तो शिवलिंग के मंदिर में किसको कहेंगे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी है? जो पूजा करने आते हैं पुजारी, उनके लिए कहें आपे ही पूज्य, फिर कौन? जो शिवलिंग है वो ही फिर द्वापर युग से क्या बन जाता है? पुजारी बन जाता है। और सतयुग त्रेता में पूज्य होता है। जो गायन होता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप तो पुजारी नहीं बन सकेंगे, फिर पुजारी को पूज्य कौन बनावे? तो बच्चे ही जानते कि पहले हम पूज्य थे, अब पुजारी बन पड़े हैं। तो पुजारी का दर्जा तो बिल्कुल ही कम हो गया ना। पूज्य का दर्जा बड़ा भारी पुजारी का? पूज्य का बड़ा भारी या पुजारी का? पूज्य का बड़ा भारी दर्जा। तो बच्चे ही जानते हैं कि पहले हम पूज्य थे अब पुजारी बन पड़े। तो अब हम पुजारी हैं तो पूज्य का ऊंचा दर्जा है ना? है? अरे किस आधार पर कहा है? अरे मंदिर की बात हो रही है ना, शिवलिंग की बात हो रही है, जलाधारी की बात हो रही है। ऊंचा कौन? शिवलिंग ऊंचा। अभी जो पति तो बने हैं तो वो ही दर्जा कौन दिलावे? बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे तुम पूज्य थे, देवी देवता थे, फिर तुम पुजारी बन करके गिरते गिरते धक्का खाते आए हो। भले वहां तुम कितना भी कुछ संभालो, फिर भी वहां तो पुजारी बनना ही है। यहाँ पुजारी पने को छोड़, पूजा को छोड़ करके पूज्य बनना है। पूज्य बनने में माया का विघ्न है। और यहाँ दूसरा कोई विघ्न थोड़ा ही पड़ता है क्या? है?
सबसे जास्ती विघ्न कौन सा पड़ता है? है क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का या काम का? माया के विघ्न अभी पड़ता है, जबकि तुम अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। देखो तुम उस यात्रा की तैयारी करते हो तो कितने विघ्न पड़ते हैं। और यात्राएं देखो, सत्संग देखो, मंदिर देखो, कहां भी तुमको कोई रोक नहीं सकता है। और यहां है, यहां तुमको रोका जाता है। यहां तो देखो पुजारी से पूजी बनने में माया तुमको कितना हैरान करती, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, कोई न कोई बात में गिर जाते हैं। सबसे जास्ती गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहे बच्चे अभी मूत पलीती बनपनो, क्या कहा, क्या ना बनो, ये क्या होता है, हैं? मूत पलीती मत बनो, कोई बाथरूम है क्या? बाप का कहना क्या है, मूत पलीती मत बनो माने पति तो माने भिखारी, माने पति तो माने गिरना, क्या पहाड़ पर चढ़े हुए हैं सो गिरोगे है? पति तो माने जो शक्ति मस्तक में जानी चाहिए, बुद्धि बाप समान बुद्धिमानों की बुद्धि बननी चाहिए, ऊंची स्टेज वाली मन बुद्धि आत्मा बनी है, हैं? और वो शक्ति नीचे गिर जाए, सिर्फ पुरुष की या स्त्री की भी है? स्त्री की, पुरुष की नहीं, पुरुष भी नीचे गिरते हैं और स्त्रियां भी नीचे गिरती हैं, बहुत करके पुरुष पहले नीचे गिरते हैं। तो बोला बाप कहे बच्चे अभी मूत पलीती नहीं बनना, मना काम इंद्रिय से जो राजा और वीर निकलता है वो ही मूत का हिंसा है, वो गिर गया और मूती पलीती हो गए माने कपड़े गंदे जरूर होंगे, स्थूल कपड़ा भी तो चैतन्य कपड़ा भी। अरे हम तो तुमको साफ करने आए हैं, क्या तुम्हारे कपड़े सतयुग में कैसे होंगे, वहां मूत पलीती बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, तुम्हारा हद और बेहद का कपड़ा सदैव साफ रहेगा। फिर देखो घड़ी घड़ी संभलना है, क्या माया क्या करती है, है? कोई न कोई घुमा फिरा के ऐसे विचार लाएगी कि तुमको गिरा ही देती है। और देखते हो कितने गिरते हैं, हिसाब तो करो।
उसमें भी सबसे गंदा है काम की शिक्षा पर जाना चलना क्या काम शिक्षा में जलना माना मन बुद्धि में काम विकार का मंथन करना उसको कहते हैं काम शिक्षा में जलना या फिर विषय सागर में गोता खाना गोता करते हैं तो क्या होता है हैं डूबते हैं फिर ऊपर आते हैं फिर डूबते हैं फिर ऊपर आते हैं बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है उसमें मत गिरना गटर की तरफ जाने का कभी भी ख्याल नहीं करना बाप तो बहुत ही समझाएंगे ना क्या कहा बेसिक में जो ज्ञान देते थे शुरुआत में वो बहुत समझाते थे गहराई से समझाते थे तो थोड़ा बहुत समझाते थे वो भी किसी को समझ में आया आया नहीं आया तो बाप तो बहुत समझाएंगे ना भविष्य की बात बताई या वर्तमान की या पास्ट की समझाएंगे मना कब समझाएंगे है भविष्य में समझाएंगे मना 64 की बात नहीं है जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष का पाठ खुलता है उसके बाद की बात है